नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक और वीडियो स्पेक्टर मॉडर्न हिस्ट्री की। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज? तो हम लोग बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एनेक्सेशन ऑफ अवध, कौन कौन से स्टेट्स को एनेक्स किया गया इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर, समय रहा तो एंग्लो भूटानी रिलेशन के बारे में भी बात करेंगे। ये सारे टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आई होप ये किताब आपने खरीद ली होगी, अपने सामने रख ली होगी। आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन जरूर दबा दें और प्लीज किसी भी समय शेयर करके जरूर जाइएगा। अब देखिए, दो व्यूज को मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं। एक व्यू है आपका वॉल्टर रीड का, ये व्यू पॉइंट इन्होंने लिखा है कीपिंग द ज्वेल इन द क्राउन नाम की अपनी पब्लिकेशन में, और एक व्यू है शशि थरूर का, ये इन्होंने लिखा है एन एरा ऑफ डार्कनेस नाम की अपनी पब्लिकेशन में। बस कुछ व्यू पॉइंट्स हैं, वो व्यू पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूं। वॉल्टर रीड ने बहुत सारे पब्लिकेशंस के थ्रू और बहुत सारे कॉलोनियल ऑफिस पेपर्स के थ्रू यह बताया कि देखिए, ब्रिटेन की जो पॉलिसी थी दुनिया भर के कॉलोनीज को हथियाने की, जिसमें इंडिया भी एक कॉलोनी थी, जो उनकी इंपीरियल एक्सपेंशन की पॉलिसी थी, उस इंपीरियल एक्सपेंशन की पॉलिसी में कोई भी सेंट्रल सेट ऑफ आप कह सकते हैं प्लानिंग नहीं थी। ऐसा नहीं था कि कोई शुरुआत में प्लानिंग की गई थी और कहा गया था कि इस प्लानिंग के चलते यहां पे कब्जा किया जाएगा, यहां पे कब्जा किया जाएगा। उनका जो कब्जा था दैट वॉज मोटिवेटेड बाई सेल्फिश इंटरेस्ट। उनके दिमाग में बस एक चीज थी, हमें अपना फायदा करना है, अपना पैसा कमाना है, और अपने पैसे कमाने के लिए किसी को भी मार दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप देखोगे जो नेटिव पॉपुलेशन थी इंडिया की, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स वर स्लॉटर्ड। कुछ को सीधे सीधे मारा, कुछ लोग भुखमरी के कारण मर गए, कुछ लोग बीमारी के कारण मर गए, और ये सब हुआ क्यों? अंग्रेजी पॉलिसीज की वजह से। उसके बाद अंग्रेजों ने अपना जो एंग्लिकल वर्जन ऑफ एजुकेशन है, जो उनकी अंग्रेजी पढ़ाई है, उसको भी इंट्रोड्यूस किया दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। और जो नेटिव पॉपुलेशन थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका की नेटिव पॉपुलेशन हो गई, इंडिया की नेटिव पॉपुलेशन हो गई, उसमें जो पढ़े लिखे आगे बन के आए, जैसे कि जो लॉयर्स थे दोस्तों हमारे, उन लॉयर्स ने मॉडर्न लॉ को पढ़ा, उन मॉडर्न लॉ को पढ़ने के बाद भी वो जो एजुकेटेड क्लास थी इंडियंस की, उसको भी उन्होंने इज्जत नहीं दी। ये सब लिखा है वॉल्टर रीड ने कीपिंग द ज्वेल इन द क्राउन में, और साफ साफ कह रहा था कि अंग्रेजों ने अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए हजारों लाखों को मार दिया, और ये जो कुछ भी एक्सपेंशन किया ये सेंट्रलाइज्ड प्लान नहीं था, अपने सेल्फिशनेस के हिसाब से जगह जगह पे ये हथियाते गए। एक व्यू पॉइंट और दे रखा है शशि थरूर जी ने एन एरा ऑफ डार्कनेस में। इन्होंने बोला कि भैया प्लासी के युद्ध के बाद अगले 100 सालों में आप देखोगे कि 19th सेंचुरी की शुरुआत आते आते 260,000 मेन की थी आपकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी, जो कि आगे बढ़ते जाएगी। इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को पार्लियामेंट, ब्रिटेन के पार्लियामेंट का भी सपोर्ट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी सपोर्ट था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट में और ब्रिटेन पार्लियामेंट के बहुत से मेंबर्स के स्टेक होल्डरशिप थी इस ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो आप देखोगे रॉबर्ट क्लाइव और सर वारन हेस्टिंग्स जैसे लोग जब इंडिया में राज कर रहे होंगे तो उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, जब वो वापस जाएंगे तो उनके खिलाफ ब्रिटिश पार्लियामेंट में केस चलाया जाएगा। वो केस क्यों चलाया गया? वो इसलिए चलाया गया क्योंकि वहां के लोग इनसे जल रहे थे कि इन्होंने पैसे कमा लिए। वहां के लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि इंडिया में कैसे परेशान किया जा रहा है लोगों को। तो जो कुछ भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में किया उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी सपोर्ट था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी सपोर्ट था, और यही लोग गवर्नर जनरल्स को अपॉइंट करके भेजते थे लंदन से। ये गवर्नर जनरल्स हाई बॉर्न होते थे, बड़ी बड़ी फैमिलीज में पैदा हुए हुए जो लोग होते थे उनको यहां भेजा जाता था। इनका काम था कंट्री की ट्रेड को रेगुलेट करना, टैक्सेस को कलेक्ट करना, इंडियन लाइफ पे अंग्रेजी कल्चर को आगे बढ़ाना, कुछ हद तक उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को फैलाने का भी काम किया है, और पूरी की पूरी इकोनॉमी तहस नहस कर दी, इंडिया की आजादी को पूरी तरीके से छीन लिया। ये सब बातें इन किताबों में कही गई है दोस्तों। एक व्यू पॉइंट लिखा है आपका स्पेक्ट्रम में, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। डिस्कस करना मुझे सही लगा तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आगे आते हैं एक पर्सन पे जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी, जिसकी फोटो आपके सामने है, ठीक है, शक्ल से ही पता चल रहा है कि कैसी चालू मुस्कान है इस आदमी की। आप कह सकते हो वन ऑफ द यंगेस्ट गवर्नर जनरल, वन ऑफ द यंगेस्ट गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड डलहौजी। 1848 से लेके 1856 के टाइम पीरियड में गवर्नर जनरल लगा, बहुत लंबे समय के लिए गवर्नर जनरल रहा है, लगभग 8 सालों के लिए। बहुत ज्यादा जल्दी इतनी समय के लिए गवर्नर जनरल लोग नहीं रहते थे। आप देखिए सर वारन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 12 साल रहे,
बाकी आप देखोगे गवर्नर जनरल उतना लंबा टेनोर गवर्नर जनरल का नहीं रहा है। लॉर्ड वेलेस्ली देख लीजिए 1798 से 1805 7 साल, तो ये कुछ ऐसे गवर्नर जनरल है जिनका लंबा रेन रहा, बाकी बहुतों का छोटा रहा। अब जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात की जाती है तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में यहां क्या बताया जाता है, देखिए इंडिया में जो डॉक्ट्रिन थी उसके बारे में बात की जाए तो क्या बोला गया, जब ब्रिटिशर्स ने इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लगाने की बात करी तो उससे पहले लॉजिक क्या दिया गया, लॉजिक ये दी गई कि इंडिया में जो करंट लॉ है उस करंट लॉ के हिसाब से, अब देखिए इंडिया में हिंदू लॉ था, हिंदू लॉ में एग्जैक्टली लिखा क्या था वो बहुत हद तक इनकंक्लूसिव था, कुछ क्लियर कट था नहीं। हमेशा से ही इंडिया में क्या हो रहा था कि भाई देखिए जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा, मान लीजिए कि राजा का बेटा है ही नहीं तो जो राजा ने जिस सन को अडॉप्ट किया है वो राजा बनेगा। तो हिंदू लॉ की अगर आप बात कर लो तो हिंदू लॉ में कुछ एग्जैक्टली लिखा नहीं था कि भाई कौन हेयर बनेगा, लेकिन आप देखोगे अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इस लॉ को किस तरीके से इंटरप्रेट किया, अंग्रेजों ने बोला कि देखिए अगर किसी इंडियन महाराजा ने किसी एक बच्चे को गोद लिया है अडॉप्ट किया है तो उस बच्चे का हक उस महाराजा की प्राइवेट प्रॉपर्टी में होगा, ध्यान दीजिएगा उस बच्चे का हक उस महाराजा की प्राइवेट प्रॉपर्टी में होगा, बट उस बच्चे का हक इस बात पे नहीं होगा कि वो महाराजा की गद्दी पर बैठ जाए, महाराजा की गद्दी पर महाराजा का लीगल बॉर्न सन बैठेगा, यानी महाराजा की वाइफ से या फिर महाराजा की मिस्ट्रेस से पैदा हुआ बच्चा ही महाराजा की गद्दी पर बैठेगा। महाराजा ने जिस बच्चे को गोद ले लिया है वो किसी और बाप और मां का बेटा है, उसको गद्दी पर नहीं बैठाया जाएगा। ये ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्रिन को यहां पे आप कह सकते हो कि इंप्लाई किया, तो ये ब्रिटेन का वर्जन था। अगर आप हिंदू लॉ की बात करोगे तो हिंदू लॉ में एक्चुअली में कुछ सीधे सीधे लिखा नहीं था, एक आप कह सकते हो एक इनफॉर्मल डॉक्ट्रिन चल रहा था कि एक राजा का अगर कोई बेटा नहीं और अगर वो राजा मर जाता है तो जो उसका अडॉप्टेड सन है उसको राजा बनाया जा सकता है, अगर उसके बहुत सारे अडॉप्टेड सन है तो राजा की वाइफ या राजा की मंत्रिमंडल में जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो डिसीजन लेके जिसको भी राजा बना देंगे वो राजा बन जाएगा। अब क्या इसको पहली बार डलहौजी ने इस्तेमाल किया, नहीं, इससे पहले भी कई बार डल इस चीज को इस्तेमाल किया गया था। मैं आपको इसको एक तरीके समझाता हूं, आप फॉर एग्जाम्पल दोस्तों बात करो अकबर की, अकबर पहला बड़ा राजा था मुगल एम्पायर का, वैसे तो बाबर हुमायूं उससे पहले आए थे बट हाँ मुगल एम्पायर को बढ़ाने वाला कौन था इंडिया में, अकबर था। अकबर क्या करता था, अकबर हर जगह पे सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं करता था, अकबर ने बहुत सारे राजपूत स्टेट्स पे अटैक किया, राजपूत रूलर्स को हरा दिया, फिर राजपूत रूलर्स को मारा नहीं, उनसे बोला कि आप मेरे मुगल कोर्ट में एक मंत्री बन जाइए, आपका जो राज है वो हमारे मुगल साम्राज्य के अंदर आ जाएगा लेकिन आप अपने राज करेंगे, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में हम दखलंदाजी नहीं करेंगे, आप समय समय पर हमको टैक्स भेजते रहना, राजा मान जाता था। तो अकबर ये बोल सकता था कि मान लीजिए किसी भी राजपूत प्रिंसिपैलिटी में मान लीजिए राजा मर गया और अगर उस राजे का कोई लीगल हेयर नहीं है तो उस राजा के पास ये हक था कि उसका अडॉप्टेड सन उसकी गद्दी पर बैठे। यहां पे अकबर ये भी तो बोल सकता था कि नहीं भाई अगर राजा का लीगल सन नहीं है अडॉप्टेड सन है तो इसका राज सीधे सीधे मुगल राज के अंदर, तो समझ रहे ना मुगलिया सल्तनत में क्या हो रहा था, मुगलिया सल्तनत में शुरुआत में बहुत सारी ऐसी राजपूत प्रिंसिपैलिटी थी जहां पे अकबर ने सीधे सीधे कब्जा नहीं किया, अकबर ने बोला कि आप मुगल परचम के अंदर हैं, आप हमारे यहां मिनिस्टर बनकर रहिए, आप राज करिए, आप अपने बच्चे को राजा बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ हद तक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को रणजीत सिंह जी ने अप्लाई किया, रणजीत सिंह जी ने अपने अंदर आने वाली कुछ कन्फेडरेसी के जब चीफ्स के बच्चों की डेथ हो गई तो उन्होंने उस राज को अपने अंदर मिला लिया। अब रणजीत सिंह ने कौन से हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेप लिया उसके लिए बहुत डीप हिस्ट्री की नॉलेज चाहिए जो मेरे पास है नहीं, यहां पर जानने की जरूरत भी नहीं। लॉर्ड डलहौजी ने क्लियर कट तरीके से 1848 में एक पॉलिसी लेके आए, इस पॉलिसी के चलते लॉर्ड डलहौजी ने बोला कि अगर किसी भी इंडियन स्टेट का कोई लीगल हेयर जिंदा नहीं है, उसका कोई लीगल बच्चा जिंदा नहीं है तो उसका अडॉप्टेड बच्चा गद्दी पर नहीं बैठेगा, और अगर राजा मरता है तो राजा के मरने के बाद वो जो उसका स्टेट है वो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आ जाएगा, यानी वहां पर सीधे सीधे ब्रिटेन का रूल हो जाएगा। ये किसने बोला, ये बोला लॉर्ड डलहौजी। तो आप ये समझ सकते हो कि लॉर्ड डलहौजी ने ऑफिशियली इस पॉलिसी को शुरू कर दिया, लेकिन ओरिजिनेटर इस पॉलिसी को बनाने वाला लॉर्ड डलहौजी नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं इन वन फॉर्म ऑफ द अदर रणजीत सिंह के रूल के दौरान 1820 में
कंपनी ने भी सतलज के पास की कुछ ऐसे ही पेटी स्टेट्स को अपने अंदर मिला लिया था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने किया क्या कि ये जो आपकी पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की कि राजा का बेटा अगर लीगल बेटा नहीं है तो अडॉप्टेड बेटे को राज नहीं मिलेगा, ये पॉलिसी को लीगली अडॉप्ट कर लिया लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी जब इंडिया में आया था ना, बहुत जोश था उसके अंदर, उसका सिर्फ एक एम था, उसका एम था कि मैं अंग्रेज टेरिटरी को बढ़ाऊंगा, जो इंग्लिश टेरिटरीज है ना इंडिया में, मैं उसको बड़ा करूंगा। ठीक है, अब यहां पे लॉर्ड डलहौजी को कि किस्मत अच्छी हो गई, या फिर किस्मत अच्छी हो गई, या फिर आप ये बोल लीजिए कि इनकी रिसर्च अच्छी थी, लॉर्ड डलहौजी ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी लेके आए। फॉर्चुनेटली हुआ क्या कि उस समय पे बहुत सारे ऐसे राज निकले जिनके महाराजा मर गए और उनके बच्चों में कोई भी लीगल मेल हेयर नहीं था, अडॉप्टेड बच्चे थे, तो अडॉप्टेड बच्चों को राज दिया नहीं जाएगा। तो इस पॉलिसी के अंदर कौन कौन से स्टेट्स को एनेक्स किया गया, अगर इसकी बात की जाए दोस्तों, तो आप देखिए सतारा को एनेक्स किया गया 1848 में, झांसी और नागपुर को एनेक्स किया गया 1854 में। रानी ऑफ झांसी को इस बात से बहुत दुख हुआ था, रानी ऑफ झांसी ने बोला कि हिंदू लॉ के अंदर मेरे को यह आजादी है कि मुझे ये हक है कि मैं अपने बेटे को राजा बना सकती हूं, ठीक है, लेकिन रानी ऑफ झांसी को ये राइट नहीं दिया गया। अंग्रेजों ने हिंदू लॉ के अंदर कुछ ऐसे तिगड़म बिड़ा दिए, वैसे भी लीगल तिगड़म बिड़ाने में बहुत तेज थे, और झांसी को एनेक्स कर लिया, नागपुर को एनेक्स कर लिया, छोटे और स्टेट्स जैसे जयपुर जो कि बुंदेलखंड में था उसको एनेक्स कर लिया, संबलपुर ओडिशा को एनेक्स कर लिया, बगात मध्य प्रदेश को एनेक्स कर लिया। तो डलहौजी की किस्मत अच्छी थी, या फिर डलहौजी ने अच्छी रिसर्च की थी, पहले से ये पता कर लिया था कि भाई इन राज के राजा मरने वाले हैं, तो अगर मैं इस तरीके की पॉलिसी लेके आता हूं तो ज्यादा से ज्यादा राज हमारे अंदर आ जाएंगे, ये तो नहीं पता है। लेकिन एक चीज तो तय थी कि लॉर्ड डलहौजी इस पॉलिसी को लेके आया, और इस पॉलिसी के चलते सतारा, झांसी, नागपुर, जयपुर, संबलपुर, बागपुर, ऐसे बहुत से जो स्टेट्स हैं वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते आ गए किसके अंदर, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी जाने जाते हैं अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए। बहुत कम ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिनको अलग से माना जाता है, जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स को अलग से माना जाता है, कॉर्नवालिस को अलग से माना जाता है, चूंकि 1793 में वो परमानेंट सेटलमेंट लेके आया था। लॉर्ड वेलेस्ली को अलग से माना जाता है, सब्सिडरी लाइंस लेके आए थे, उसी तरीके से लॉर्ड डलहौजी को अलग से माना जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आए थे। समझ गए दोस्तों, तो ये चीज है आपकी, तो आपको यहां पे समझना ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी थी ना वो पहले से एग्जिस्टेंट थी, बस लॉर्ड डलहौजी ने उसको बहुत तेजी से इंप्लाई किया। सो लॉर्ड डलहौजी वॉज नॉट इट्स ओरिजिनेटर, इट वॉज अ कोइंसिडेंस दैट ड्यूरिंग हिज गवर्नर जनरलशिप सेवरल इंपॉर्टेंट केसेस अरोज इन विच डॉक्ट्रिन कुड बी अप्लाइड। वो केसेस कौन कौन से थे, वो स्टेट्स कौन कौन से थे, वो अभी मैंने आपको बताया। इससे पहले के जो गवर्नर जनरल आए थे उनको भी इलाका बढ़ाना था ब्रिटेन के एम्पायर का, लेकिन वो एक एक्सट्रीम स्टेप पे नहीं जाना चाहते थे। डलहौजी ने वो एक्सट्रीम स्टेप लिया और उसने बहुत सारे राज्य को मिला लिया। एक राज्य जो था जिसको बोला जाता है राज ऑफ अवध, एनेक्सेशन ऑफ अवध। देखिए अवध वैसे ही सब्सिडरी अलायंस के अंदर था, पूरी तरीके से अंग्रेजों पे डिपेंडेंट था, पहले ही सब्सिडरी अलायंस के चलते काफी सारी टेरिटरीज अवध की ले ली गई थी, तो अवध का जो स्टेट था दोस्तों पूरी तरीके से वो ब्रिटेन पे डिपेंडेंट था, लेकिन अवध के टेरिटरी को अपने अंदर मिलाना चाहता था कौन, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है ना, अच्छा अवध में एक और प्रॉब्लम थी, यहां के जो नवाब थे इनको बड़ा एक्स्ट्रावेगेंट माना जाता है, इनको बड़ा प्रोफ्लिगेट माना जाता है। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग स्पेल ऑफ 18 इयर्स इन्होंने गजब का करप्शन किया, गजब की प्रॉब्लम की। कौन थे नवाब जिनको डिपोज किया लॉर्ड डलहौजी ने, वो थे नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह की बहुत सी स्टोरीज फेमस है। अवध को एनेक्स कर लिया गया 1856 में, किसमें, ब्रिटिश राज में। क्यों एनेक्स किया गया, क्योंकि ये बोला गया कि जो अवध के जो नवाब है ना वो मिस गवर्नमेंट कर रहे हैं, और मिस गवर्नमेंट तो देखिए वो कर रहे थे दोस्तों, जो लोग थे ना अवध के, हाहाकार मचा हुआ था, त्राही माम मचा हुआ था वहां पर। इन नवाबों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग कैसे हैं, लोगों को क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, अपना हुक्का पीना है, नाच देखना है, बस सोना है और कुछ नहीं करना है। और अवध चाहिए था अंग्रेजों को, अवध को डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए था, और कहीं ना कहीं रेजिडेंस से डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिल नहीं पा रहा था, तो अवध को कर लिया एनेक्स। कैसे एनेक्स किया उसकी भी एक स्टोरी है, नवाब वाजिद अली शाह की भी एक अलग ही स्टोरी है। तो अब देखते हैं कि एक्चुअली में ये नवाब के राज के दौरान अवध में हुआ क्या,
देखिए ऑब्वियसली बात है, टैक्सेस तगड़े लगाए जाते हैं तो उस समय पे एक ही तरीके की चीज चलती थी, वो थी एग्रीकल्चर। थोड़ा बहुत ट्रेड वगैरह से भी टैक्स आ जाया करते थे, मगर मेन चीज थी एग्रीकल्चर। किसान का खून चूस लो, वो जो फसल उगा रहा है उस पे उसकी आधी से ज्यादा फसल ले लो, खून चूस डालो उसका, ठीक है। तो टैक्सेस तो ज्यादा लगाते ही थे। साथ साथ था ये दोस्तों कि जो ऑफिशियल्स थे, जो ताल्लुकदार थे आपके नवाब के राज के दौरान, ताल्लुकदार थे, होता है ना कि स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस में भी कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं जो कि नवाब खुद अपॉइंट करता था। वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते थे दोस्तों, वो नीचे के लेवल पे किसानों को बहुत परेशान करते थे, बहुत ज्यादा परेशान करते थे। आप कह सकते हो कि आज की डेट में भी अगर आप स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को देखो नीचे के लेवल पे, तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, BDO, ये बड़ी अच्छी पोस्ट हैं, बहुत ज्यादा अच्छी, ये सही पोस्ट हैं। मतलब BDO वीडियो तो अच्छी पोस्ट मानी जाती है। तो यहाँ पे भी लोग हैं, काम करते हैं, उनका काम है कि भाई लोगों की मदद करना। उस समय पे इस टाइप की जो पोस्टें हुआ करती थी नवाब के राज के दौरान, और पूरे इंडिया में ऐसी पोस्ट हुआ करती थी, स्टेट्स के अंदर भी ऐसी पोस्टें थी, वो लोगों को बहुत परेशान करते थे, उल्टे सीधे पैसे मांगते थे लोगों से। तो किसी गांव में इस टाइप की चीजें बहुत होती थी कि एक बड़ा किसान एक छोटे किसान की जमीन छीन रहा है, और बीच का ये जो ऑफिशियल है वो छोटे किसान की मदद ना करके बड़े किसान की मदद कर रहा है, और बड़ा किसान थोड़ा बहुत पैसे दे दे रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारा करप्शन एग्जिस्ट करता था। जो ट्रेजरी थी नवाब की, नवाब ऑफ अवध की, वो ट्रेजरी खाली हो रही थी। क्यों खाली हो रही थी? क्योंकि बात यह है कि अवध ने सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी साइन कर रखी थी। सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी के चलते बहुत सारा पैसा देना था अवध को अंग्रेजों को। पहले बहुत सारी टेरिटरी सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी में पैसा ना दिलाने की वजह से ऑलरेडी बहुत सारा लैंड अवध खो चुका था। तो अवध ओरिजिनली जितना बड़ा था, इस समय पे अवध थोड़ा छोटा हो चुका था। ये 1856 की बात हो रही है, और अवध 1765 में ही अंग्रेजों के ऑलमोस्ट कंट्रोल के अंदर आ गया था, जब वहां पे सब्सिडरी अलायंस की फोर्सेस डाल दी गई थी। ओके, नीचे कमेंट बताइए कि 1765 में जो अवध के नवाब थे उनका नाम क्या था, ठीक है। तो 1856 आते आते ट्रेजरी खाली होने लगी, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस में बहुत सारा पैसा देना पड़ रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और उसके बाद है दोस्तों कि बहुत सारी और चीजों के लिए भी पैसा मांगा जाता था। तो लॉर्ड हास्टिंग्स के दौरान, लॉर्ड एमहर्स्ट के दौरान, लॉर्ड विलियम बेंटिक के दौरान, अवध से रिलेशन भी नहीं है, किसी और काम के लिए ही अवध के नवाब से पैसा मांगा जा रहा है, किसी और जगह के प्रोजेक्ट के लिए अवध के नवाब से पैसा जा रहा है, मांगा जा रहा है। अंग्रेज पैसा मांगने में बड़े हिट थे, बंगाल के नवाबों से भी उन्होंने पैसा मांगा, अवध के नवाबों से भी उन्होंने पैसा मांगा। बहुत सारा पैसा तो ये अपने खुद के लिए पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर पर रखते थे, और उसके बदले में टाइटल देते थे अवध के नवाब को। तो अवध के नवाब को 1819 में टाइटल दे दिया गया कि तुम किंग हो, ठीक है। अब उस किंग को बेवकूफ को पता ही नहीं है कि वो किंग है ही नहीं, किंग तो ये है, ये किंग मेकर्स हैं। जब कोई किंग मेकर हो जाता है तो फिर किंग किस बात का? तो अंग्रेज किंग मेकर्स थे, नवाब को किंग बना दिया, नवाब खुश हो गया। अंग्रेज सोच रहा है अब ये पागल हमको पैसे देगा, वो पैसे देता भी था, इनको खूब पैसे मिलते थे। लॉर्ड डलहौजी जब आया राज में, तब तक अवध को चूस चुके थे अंग्रेज, अवध क्या पूरे देश को ही चूस चुके थे। तो उस समय पे अवध का रेजिडेंट कौन था? उस समय पे अवध का रेजिडेंट था स्लीमैन। स्लीमैन से डलहौजी ने एक रिपोर्ट मांगी कि तुम बताओ कि भाई अवध के राज में सब कुछ कैसा चल रहा है, बढ़िया से तुम अलग अलग जगहों पे जाओ, वहां पे जाके तुम इंस्पेक्शन करो और मुझे ये बताओ कि अवध में कैसा राज कर रहा है, ये जो नवाब है ठीक से राज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लोगों की हालत क्या है। वो रेजिडेंट घूमना, उस रेजिडेंट ने प्रॉपर रिपोर्ट तैयार की, और रिपोर्ट में बोला कि भैया अवध की हालत बहुत ज्यादा खराब है, एनआरकी आ रखी है, सड़कों पर लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं। ये रिपोर्ट गई डलहौजी के पास। डलहौजी ने बोला मुझे बहुत चिंता हो रही है। जैसे डलहौजी को बड़ी चिंता थी, पहले के जो गवर्नर जनरल थे उनको ये पता ही नहीं था कि लोग भूखे मर रहे हैं। एक्चुअली में उनको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि लोग भूखे मर रहे हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद आप देखोगे स्लीमैन के बाद एक और रेजिडेंट अपॉइंट किया गया जिसका नाम था आउटरैम। आउटरैम को अपॉइंट किया गया था 1854 में एज अ रेजिडेंट ऑफ अवध। आउटरैम से भी एक ऐसी ही रिपोर्ट मांगी डलहौजी ने, और उसने भी यही रिपोर्ट दी कि भैया अवध में लोगों की हालत बहुत खराब है। डलहौजी, यहां पे तो ऐसा लिखा है, अब कितना सच है कितना सही नहीं है दोस्तों, ये तो हिस्ट्री की बात है, बट जो लिखा है वो देखते हैं। डलहौजी सीधे सीधे अवध को एनेक्स नहीं करना चाहता है, लेकिन डलहौजी के ऊपर प्रेशर किसका था? डलहौजी के ऊपर प्रेशर था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। अब आप बोलोगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन है? मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स थे जो कि लंदन में बैठते थे। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स काम चलाते थे आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1784 में जो पिट्स एक्ट आया था,
वो उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की ताकत को कम करने के लिए ही आया था, जिसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आप समझ लीजिए कि वो एक कोई कंपनी है, उस कंपनी के टॉप पे 2-3 हजार ऐसे ऑफिशियल्स बैठे होंगे जो उस कंपनी को कंट्रोल करेंगे। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वही ऑफिशियल्स थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करते थे, और इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का बहुत प्रेशर था लॉर्ड डलहौजी के ऊपर कि अवध को एनेक्स करो, क्योंकि अवध को एनेक्स करके थोड़ा और पैसा चूस सकती थी अंग्रेजी सरकार अवध से। तो आप देखोगे दोस्तों कि अवध से ऑलरेडी ये पैसा चूस रहे थे, लेकिन आप जब डायरेक्टली किसी जगह पर राज करने लगते हो तो पूरा पैसा आपका हो जाता है, यही यहां ये करना चाहते थे। तो ये यहां पे बोला गया कि डलहौजी तो ये एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना चाहता था, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला कि नहीं अवध को एनेक्स करो। अब अवध को आप एनेक्स तो कर नहीं सकते हो, वाजिद अली शाह के तो बहुत से बेटे हैं, सब जिंदा है, तो कैसे एनेक्स करोगे? तो किस बात बेसिस पे एनेक्स किया गया कि भैया ये माल गवर्नमेंट कर रहा है, एनआरकी की सिचुएशन है इसके राज में, लोगों का इसका ध्यान नहीं रखा है, लोगों के ध्यान रखने की जरूरत है, इसलिए एनेक्स कर लो। जैसे कि ये आके तो बड़ा ध्यान ही रखने वाले थे लोगों का, और इन्होंने एनेक्स कर लिया। और जब अवध को एनेक्स किया तब लोगों के अंदर एक गुस्सा फूटा, लोगों को गुस्सा आया, और रिवॉल्ट ऑफ 1857 की जो इमीडिएट कॉजेज है, वैसे तो बहुत सारे कॉजेज हैं दोस्तों, लॉन्ग टर्म कॉजेज हैं, ठीक है, वन ऑफ द इमीडिएट कॉजेज में एनेक्सेशन ऑफ अवध भी है। तो 1856 में जब अवध को एनेक्स कर लिया गया वो एक इमीडिएट कारण बना रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। तो आप देखोगे लॉर्ड डलहौजी के राज के दौरान 8 साल का उसका राज था 1848 से लेकर 1856 तक का, इसमें उसने 2.5 स्क्वायर माइल्स को कब्जा लिया, अब मिलियन स्क्वायर माइल्स को, सॉरी। तो 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन होता है 10 लाख। इस 1 मिलियन का क्वार्टर क्या होगा? तो 2.5, तो 2.5 लाख स्क्वायर माइल्स की टेरिटरी को अंग्रेजों ने कब्जा लिया, इसके दौरान डलहौजी के दौरान, ठीक है। तो ये था इसका पूरा सीन, 8 बड़े बड़े स्टेट्स जिसमें आखिरी स्टेट था आपका अवध, बाकी मैंने बताया आपको झांसी, सतारा, नागपुर, संबलपुर बहुत से थे। तो आप ये देखोगे दोस्तों 1757 से ये जो एनेक्सेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, 1757 में सबसे पहले किसको पकड़ा गया? बंगाल को। बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी कब ली गई? 1766 के बाद, 1765 में जब बैटल ऑफ बक्सर में हरा दिया गया 1764 में, 1765 में दीवानी मिल गई। उसके बाद से एनेक्सेशन शुरू हुआ, कब तक चला? 1856 तक, ठीक है। और 1856 में आखिरी स्टेट जो एनेक्स किया गया वो था अवध। उसके बाद हो जाएगा रिवॉल्ट ऑफ 1857, और 1857 के रिवॉल्ट के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जितने भी राजे रजवाड़े थे उनसे बोलेगी अब हम आपकी टेरिटरीज को एनेक्स नहीं करेंगे। वो एक बात की बात, उसको बाद में समझेंगे। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोस्तों, उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एंग्लो भूटान रिलेशन। देखिए एंग्लो भूटान रिलेशन उतने इंपॉर्टेंट थे नहीं। देखिए ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट पूरे देश पे राज कर रहे थे। अच्छा एक खास बात है दोस्तों, ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट की अगर बात करिए तो भूटान की टेरिटरी के ऊपर और नेपाल की टेरिटरी के ऊपर उन्होंने कोई एग्रेसिव मेजर्स लिए नहीं। शायद वो उस तरफ उतना जाना नहीं चाहते थे या वहां पे जाके उनको इतना फायदा नहीं था। लेकिन आप देखोगे कि भूटान, बर्मा, नेपाल के साथ भी कुछ छोटी मोटी झड़प हुई है। बर्मा के साथ तो प्रॉपर वॉर हुआ है, बर्मा को तो पूरा का पूरा कब्जा लिया था अंग्रेजों ने। वो फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर, सेकंड एंग्लो बर्मा वॉर पे मैंने वीडियो बना रखी है, अगले वीडियो में उसको डिस्कस भी करूंगा। बट भूटान के साथ अगर बात की जाए, भूटान के साथ अगर बात करें, आप देखोगे आसाम को कब्जा लिया ब्रिटेन ने कब? 1826 में। और जब आसाम तक ब्रिटेन पहुंच गया तो आसाम के साथ बाउंड्री किसकी लगती थी? भूटान की। भूटान में जो राज था, भूटान की जो सेना थी, वो बार बार जो आसपास की टेरिटरी थी ना आसाम की, उसमें घुस के ये लोग रेड्स करते थे। रेड्स में आके चीजें लूट के ले जाना, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मतलब थप्पड़ वप्पड़ मार देना, एक दो को मार भी दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को। बंगाल में घुसाते थे क्योंकि भूटान बाउंड्री शेयर करता था इनके साथ। फिर जो लॉर्ड एल्गिन था, लॉर्ड एल्गिन के एनवॉय को भेजा गया भूटान में 1863-64 में, उसके साथ बैड ट्रीटमेंट किया इन भूटान वालों ने। तो आप देखोगे कि ब्रिटेन के और भूटान के रिलेशन शुरू में ठीक नहीं थे और भूटान थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा था। तो आप देखोगे कि ब्रिटेन से आसाम में जो इंपॉर्टेंट पासेस थे, ठीक है, भूटान से अगर आपको आसाम में घुसना है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हुआ करते, तो उन पासेस पे कब्जा कर लिया इन भूटान वालों ने।
तो शुरुआती टाइम पीरियड में आप देखोगे कि जो भूटान में जो सरकार थी और भूटान की जो आर्मी थी वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी। आसाम में अंग्रेजों का राज हो चुका था, आसाम के ऊपर अपने राज को ये अंग्रेज कंसोलिडेट कर रहे थे। उस कंसोलिडेशन के दौरान ये भूटान वाले थोड़ा एग्रेसिव हो गए, ये जो माउंटेन पासेस थे जिससे भूटान से आसाम के स्टेट में जाया करता था इस पे कब्जा कर लिया, लॉर्ड एल्गिन के साथ गलत ट्रीटमेंट किया, 2-3 ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स को मार दिया। तो एंड में आ गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गुस्सा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहती थी ज्यादा, बट जब इन भूटान वालों की एक लिमिट से ज्यादा इंटरफेरेंस बढ़ गई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी गुस्सा आया, अपनी सेना भेजी और उस सेना में इन पासेस को वापस छीन लिया गया। अच्छा, इन पासेस को वापस छीनना क्यों जरूरी था दोस्तों? जो इन पासेस से एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मिलती थी अंग्रेजों को कि आगे आने वाले समय में अगर कभी भूटान में जाना हो, घुसना हो, इसके ऊपर कब्जा करना हो तो ब्रिटेन के पास एडवांटेज रहेगा। दूसरा है कि इन पासेस के चलते कुछ टेरिटरीज मिल गई इंग्लैंड वाले को, उन टेरिटरी में ये लोग टी गार्डन्स मेंटेन करते थे। देखिए, आसाम को एनेक्स करने का एक बहुत मेजर रीजन ये था कि वहां पर टी गार्डन्स थे बहुत अच्छे अच्छे, एक तो पहाड़ी इलाका, मौसम अच्छा, दूसरे टी गार्डन्स अच्छे थे और ब्रिटेन में टी बहुत एक्सपोर्ट होती थी इंडिया से, वहां का मौसम बिल्कुल टी गार्डन्स के लिए परफेक्ट था। तो ये था पूरा सीन दोस्तों। बाद में कभी भी भूटान के ऊपर अटैक टाइप का या भूटान पे कब्जे वाली बात अंग्रेजों की तरफ से हुई नहीं, बहुत छोटी सी झड़प हुई थी, उस झड़प में हुआ ये कि ब्रिटेन डोमिनेंट निकला, लेकिन एक टाइम के बाद ब्रिटेन ज्यादा भूटान के अंदर गया नहीं, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर डाला नहीं, आसाम को ही कंसोलिडेट करने में ब्रिटेन बिजी रहा दोस्तों। तो भूटान और एंग्लो भूटान रिलेशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, हाँ एंग्लो नेपाल रिलेशंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि नेपाल के साथ एक प्रॉपर वॉर हुआ है अंग्रेजों का जिसको एंग्लो नेपालीज वॉर बोलते हैं, उसके एंड में एक ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी उसके बारे में बात करूंगा। बर्मा के साथ प्रॉपर वॉर हुआ इंग्लैंड वालों का, तो फर्स्ट बर्मा वॉर 1824-26 जिसमें आपकी कह सकते हैं ट्रीटी ऑफ एंडाबू साइन हुई थी, फिर सेकंड बर्मा वॉर हुआ था 1852 में, थर्ड बर्मा वॉर हुआ था 1885 में, इसके ऊपर मैं रिलेशंस इसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूं आपको बताऊंगा। फिर आगे एंग्लो तिब्बतन रिलेशंस की भी बात करेंगे जिसमें ट्रीटी ऑफ ल्हासा हुई थी, ये सारी चीजें मैं आपसे आगे बात करूंगा। एंग्लो अफगान रिलेशन बात करेंगे, लॉर्ड ऑकलैंड की बात करेंगे, फिर बाद आएंगे एंग्लो अफगान वॉर्स। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, एंग्लो भूटान रिलेशंस उतने इंपॉर्टेंट है नहीं इसलिए ज्यादा यहाँ पे डिटेल में दे भी नहीं रखे और हमको डिस्कस करने भी नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा।